أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم। एक दफ़ा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में पेश होने जा रहे थे कि रास्ते में इनकी नज़र एक शख्स पर पड़ी जो मुसलसल रोए जा रहा था। हज़रत अली शेरे खुदा ने इस बंदे से रोने का सबब पूछा तो इसने बताया कि मैं बहुत ही बड़ा गुनाह कर बैठा हूँ, मुझे अल्लाह ताला के अज़ाब से डर लगता है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। आप हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की खिदमत में मेरी माफ़ी की सिफारिश फरमा दें। हज़रत अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस शख्स को साथ लेकर हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की बारगाह में पेश हुए। जब हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हजूर अकदस सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सामने गए तो हज़रत अली ज़ारो कतार रो रहे थे। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया, ए अली आप क्यों रो रहे हो? हज़रत अली शेरे खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मैं आपके पास आ ही रहा था के रास्ते में एक शख्स को बहुत ही ज़्यादा रोता हुए देखा तो इसकी हालत देखकर मुझे भी रोना आ गया। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने पूछा, वो शख्स कहाँ है? आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, वो शख्स बाहर खड़ा है। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इस शख्स को अंदर आने की इजाज़त दी तो वो बंदा आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सामने पेश होकर इतना रोया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इस बंदे से पूछा, ऐ नौजवान क्या हुआ है, तुम इतना क्यों रो रहे हो? इसने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह मुझसे बहुत ही बड़ा गुनाह हो गया है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये तो बताओ कि तेरा गुनाह बड़ा है कि अल्लाह ताला की रहमत बड़ी है? इस बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि तेरा गुनाह बड़ा है कि खुदा की कुदरत? इसने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मेरा गुनाह बड़ा है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने शिर्क का इर्तिकाब किया है? बंदे ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, मैंने शिर्क का इर्तिकाब नहीं किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, क्या तूने किसी बंदे को कत्ल किया है? इसने कहा कि ऐ अल्लाह के नबी, मैंने किसी को भी कत्ल नहीं किया। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया कि फिर तुमने कौन सा ऐसा गुनाह किया है जिसकी वजह से तुम इतना ज़्यादा रो रहे हो? फिर इस शख्स ने अपना सारा किस्सा सुनाया। इसने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं कई सालों से कफन चोरी कर रहा हूँ। मैं मर्दों के कफन चोरी करके इनको फरोख्त किया करता था, इससे जो आमदनी होती थी इससे अपना पेट पालता था। कहने लगा कि कुछ दिन पहले एक लड़की दफन की गई, मैंने अपनी आदत के मुताबिक इसका कफन उतारा और वहाँ से जाने लगा तो मुझ पर शैतान गालिब आ गया। इसने मेरी नीयत बदल दी, मैंने इस लड़की के साथ जना किया। जब मैं जना करके उठने लगा तो मैंने एक आवाज़ सुनी कि जैसे वो लड़की बोल रही है, ऐ बदबख्त बंदे, तूने मुझे मर्दों के दरमियान नंगा किया, तू कल क़यामत के दिन बदकारों और जानियों में तेरा शुमार होगा, अल्लाह तुझे भी सबके सामने नंगा करेगा। वो शख्स कहने लगा कि इस लड़की की आवाज़ का मुझ पर ऐसा असर हुआ कि मुझे अब अपने आप पर अल्लाह ताला का गज़ब महसूस होता है, मैं खुदा की पकड़ में हूँ। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
इस शख्स का सारा किस्सा सुना तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की भी आंखें नम हो गईं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने फरमाया, तूने वाकई बहुत बड़ा गुनाह किया है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से जब ये अल्फाज निकले कि ये बहुत ही बड़ा गुनाह है, तो वो शख्स रोता हुआ बाहर निकल गया। इसने सोचा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम इस वक्त बहुत ही नाराज़ हैं, ऐसा ना हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम की ज़ुबान मुबारक से कोई ऐसी बात ना निकल जाए जो मेरी बर्बादी का मज़ीद सबब बन जाए। वहाँ से निकल कर वो शख्स जंगल और पहाड़ों की तरफ चला गया। वो शख्स कई रोज़ अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा और अल्लाह ताला से रो रो कर अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहा। इसको हर वक्त वो आवाज़ सुनाई देती थी, वो हर वक्त अल्लाह ताला से दुआएं मांगता रहा। जब वो शख्स कई रोज़ माफ़ी मांगता रहा तो खुदा ने इस बंदे की तौबा कबूल फरमाई। अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के पास तशरीफ़ लाए और सलाम पेश किया। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम, अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मखलूक को पैदा करने वाला, रिस्क देने वाला और अपनी मखलूक को माफ़ करने वाला भी मैं ही हूँ। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने इस नौजवान की तौबा कबूल फरमा ली है, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया है। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने एक सहाबी को इस शख्स के पास भेजा कि इस शख्स के पास जाकर इसको ये बताओ कि अल्लाह ताला ने तेरी तौबा कबूल फरमा ली है, अल्लाह ताला ने तेरे सब गुनाहों को माफ़ कर दिया है।